नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टीपू सुल्तान के कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, टीपू सुल्तान का नाम आज भले ही विवादों में चल रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना नामुमकिन है। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ रोचक और अनमोल तथ्यों को बताने जा रहा हूँ। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहेब था और इनकी मृत्यु 4 मई 1799 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध के दौरान ही हुई थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान अपने दम पर अपने आप को मैसूर का शासक स्थापित किया था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली खान और इनकी माता का नाम फातिमा था। इनके पिता मैसूर राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर इन्होंने अपने आप को 1761 में मैसूर के शासक के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य योद्धा के रूप में जानता है, बल्कि वो एक अच्छे विद्वान भी थे। टीपू सुल्तान का एक वाक्य आज सभी लोग जानते हैं। टीपू सुल्तान कहा करते थे कि एक शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ के हजार सालों से ज़्यादा होती है, और उन्होंने वैसा कर दिखाया था। टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहली जंग लड़ी और वो जंग जीती भी। टीपू सुल्तान को उनकी प्रजा टीपू के नाम से ही जानती थी। वो अपनी प्रजा के बीच बहुत मशहूर थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट आज भी रखे हुए हैं। टीपू सुल्तान के ये रॉकेट अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी के अंत में अपने साथ ले गए थे। कई बार अंग्रेज़ों के सक्के सुडाने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी विश्व का पहला मिसाइल मैन कहा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने 2 रॉकेट ब्रिटिश संग्रहालय में 8 गैलरी में प्रवेश के लिए रख दिए थे। ये दोनों रॉकेट भारतीय वैज्ञानिकी का अद्भुत ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, खास तौर पर टीपू सुल्तान की भारी भरकम तलवार। दोस्तों, ये तलवार 200 साल पुरानी है। भारत के बिजनेसमैन विजय माल्या ने 2003 की नीलामी के दौरान ये तलवार खरीदी थी और फिर इस तलवार को भारत लाया गया। दोस्तों, आज भी वो तलवार अपनी असली म्यान में रखी हुई है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ उनकी अंगूठियां भी ले गए थे, और ये भी कहा जाता है कि उनकी अंगूठी निकालने के लिए टीपू सुल्तान के अंगूठे और उंगलियों को भी काट दिया गया था, और आज भी वो अंगूठियां ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी टीपू सुल्तान के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।